आप जानते हैं मेरा जीवन, मेरा बचपन बहुत गुरबत में रहा है। 1988 में जब मेरा जॉब लगा था CRPF में, तो मुझे लगा मैं सातवें आसमान पर गया हूँ। धीरे धीरे रियलाइज हुआ, नहीं यार, सातवां आसमान ये नहीं हो सकता, यहाँ तो सिर्फ रोज़ कमाना रोज़ खाना है। धीरे धीरे दिमाग में थोड़ा सा चीज़ें बदलनी शुरू हुई, लेकिन जॉब वाली जो मानसिकता थी वो कंटिन्यू रही। 93 में कस्टम और दिल्ली पुलिस दोनों आपको पता है मैंने ज्वाइन करे। फिर फाइनली 2004 में मेरे सामने फॉरएवर आया। 2004 में फॉरएवर आने के बाद 2005 में जैन मेरी पहली कार थी, सेकेंड हैंड, जो मैंने ख़रीदी थी। और मुझे लगा वाकई यार सपने पूरे हो सकते हैं और मेरे लिए एक सपना पूरा हुआ है। यकीन मानिए उस समय मैं सातवें आसमान पर ही था। कुछ समय बाद मुझे लगा नहीं यार, सेकेंड हैंड कार ले रहे हो, सेकेंड हैंड कार तो सेकेंड हैंड ही होती है। तो अल्टीमेटली 2006 में मैंने फिर सेंट्रो ख़रीदी। जब मैंने वो सेंट्रो ख़रीदी तो मुझे लगा अब तो नई कार आ गई है, अब तो अपनी कार है नई कार, और एक्साइटेड था मैं उसको लेकर के ऑब्वियसली। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ नहीं, वो कार छोटी पड़ रही है मेरे लिए। एंड 2008 में मैंने ख़रीदी फिर SX4, बहुत अच्छी कार थी, बड़ी कार थी, मैस्कुलिन कार थी। और 2013 आते आते फिर मैंने ख़रीदी थी फ्लुएंस। जब मैंने फ्लुएंस ख़रीदी, इतनी ऑटोमेटिक, इतनी परफेक्ट कार वो थी, मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि यस, द बेस्ट कार आई हैव एंड आई हैव फुलफिल्ड वन ऑफ द बेस्ट ड्रीम इन माई लाइफ। और मैं बिज़नेस को करता रहा, और थैंक्स टू फॉरएवर आज उसकी वजह से मैं यूरोप में हूँ, डेनमार्क में। एंड सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा किम मैडसन को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया आज डेनमार्क में एक समर कैंप के लिए। साथ ही साथ उन्होंने मुझे मौका दिया उस कार को चलाने का जिसमें बैठना एक्चुअली एक ड्रीम होता है, लिमोजिन। और उन्होंने मुझे मौका दिया उस गाड़ी को चलाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि मैं करीब करीब 20 से 22 किलोमीटर तो ऑलरेडी चला चुका हूँ ये गाड़ी। क्या मज़ा आ रहा है यार, आप एक दूसरे देश में जब लिमोजिन जैसी कार चलाते हो, ऐसे में अगर आपको याद आता आपका वो पल जिसमें आपने कभी जैन चलाई थी, और जैन चलाने के बारे में अगर बताऊं तो आपको जैन से मैंने ड्राइविंग सीखी थी, तो आप जब वो पल याद करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप इमोशनल भी होते हो, और आपको लगता है कि कुछ तो है जो आपने डिफरेंट किया अपने लाइफ में। और मैं भगवान के बारे में एक बात जानता हूँ कि जब वो मुझे इतना अच्छा दे रहा है तो मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं उसने और कुछ अच्छा मेरे लिए छुपा रखा है। मुझे अफसोस कभी इस बात का नहीं हुआ कि जो मेरे पास था वो बेकार था, क्योंकि उससे मुझे सबक मिले, उन्होंने मुझे मौका दिया आगे बढ़ने का। लेकिन साथ ही साथ तरक्की होना हमेशा अच्छा लगता है, और ये तरक्की जो आज मुझे मिली है किम मैडसन की वजह से कि मैं लिमोजिन चला पा रहा हूँ, उनका विश्वास है एक्चुअली, उन्होंने मुझे मौका दिया किम मैडसन ने इस खूबसूरत गाड़ी को चलाने का। सो थैंक्स टू किम एंड थैंक्स टू फॉरएवर, थैंक्स टू ऑल माय टीम, जिनकी बदौलत मैं आज उस मकाम तक पहुंचा कि मैं निर्णय ले पाया कि चलो यार डेनमार्क में ट्रेनिंग लेने चलो। ऑल द बेस्ट।